बहराइच के नानपारा अंतर्गत एक गांव में उस समय हड़कंप मच गया। काफी संख्या में देखने वालों की भीड़ लग गई। तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि खबर यूपी के बहराइच जिले के थाना कोतवाली नानपारा क्षेत्र अंतर्गत हाड़ा बसेरी गांव के पास का मामला है, जहां झाड़ियों में एक महिला का बिना ऊपरी कपड़ों के सिर कटी लाश पाई गई। खबर आग के तरीके से फैल गई। लाश की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जाती है। महिला के शरीर से सिर और हाथ गायब बताया जाता है। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। जी 21 जुलाई को नानपारा थाने के क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले बुधवा में एक साप्ताहिक बाजार में एक 19 वर्षीय लड़की जो कि हिंदू समुदाय से थी, उसके साथ एक मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिस पर उसने आपत्ति प्रकट की। और उसके बाद उसी बाजार में जो उसके अन्य परिवारजन और गांव के लोग थे, वो सब मिलके जब लड़के के परिवार के पास अपनी आपत्ति इस घटना पे व्यक्त करने के लिए गए, तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई और लड़की के पक्ष से कुछ लोगों को इसमें चोट आई। तो इस तरह की जो घटना है, एक सार्वजनिक स्थल पर महिला संबंधी अपराध कारित करना और सामाजिक सौहार्द खराब करने का प्रयास करना, इसका पुलिस द्वारा बहुत गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया गया। तत्काल इसमें विभिन्न टीम्स का गठन कर लगभग 1.5 दिन के अंदर सभी जो 9 नामजद अभियुक्त थे, जो अपने घरों से भाग गए थे, जगह जगह दबिश देके उनको गिरफ्तार किया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है। इसमें माननीय न्यायालय SC ST बेंच से अनुरोध किया जा रहा है कि इसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से कठोरतम सजा दी जाए। 2 से 3 दिन के अंदर पुलिस इसमें आरोप पत्र प्रेषित कर देगी तथा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।